सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वायरल नेम एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना, अरवन जंगल फॉन्ट, इसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है लिंक पे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का, तो आपको इस पे क्लिक करके इस फॉन्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद फिर से आपको सर्च पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे आपको क्या करना, अरवन जंगल पिक, इसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज पे टाइप करना है, और यहाँ पे ये फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पिक्सल लैब, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको माई फाइल, इस ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फॉन्ट को आपने डाउनलोड किया था उस फॉन्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को आपको डिलीट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे टाइप करना है, और यहाँ पे इमेज के साइज पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल, इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से ओके कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और आपको अपना इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से ओके कर लेना है। फिर इसको क्या करना है, इसको आप यहाँ से ऐसे करके एडजस्ट कर लेना है सही से। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे टाइप करना है, और यहाँ पे इसको डिलीट कर लेना है इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे आपको जो भी नाम इसमें टाइप करना है उस नाम को टाइप कर लेना है, इसे ओके कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉन्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर फॉन्ट पे आपको टाइप करना है, और यहाँ पे आपको माई फॉन्ट पे आपको टाइप करना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, अपने फॉन्ट को आपको ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे टाइप करना है, और यहाँ पे आपको सेव अस इमेज, इस पे आपको टाइप करना है, और यहाँ पे आपको ये कस्टम, इस पे टाइप करना है, और यहाँ पे आपको अल्ट्रा पे क्लिक करके इस पे हाई क्वालिटी में आपको अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है गैलरी में।